कोलकाता के बहला इलाके में मंगलवार रात टीएमसी के दो गुटों के बीच कई बार टकराव हुआ, जिसमें आरोप है कि 7 राउंड गोलियां चली है। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर ईंट पत्थर बरसाए, इसमें कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने इस मामले में कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। जी हाँ, आपको बता दें, कोलकाता में सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के दो गुटों में आपसी भिड़ंत की घटनाएं घटी हैं। बुधवार रात कम से कम 10 गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, पुलिस के वाहन में भी तोड़फोड़ हुई। एक स्कूल वैन को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया गया है। तृणमूल पार्टी दफ्तर की खिड़की के कांच, सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए। 121 नंबर वार्ड में तृणमूल युवा के 2 कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए, एक महिला का सिर फट गया। इस मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना के विरोध में युवा कार्यकर्ताओं ने बुधवार सुबह आधे घंटे तक सड़क जाम भी किया, जिन्हें समझा बुझाकर हटाया गया। इस मामले में पुलिस ने जनरल डायरी की है। दोनों पक्षों की ओर से आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं। घटना स्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। मिली जानकारी के अनुसार यहां के बहला चड़कतल्ला इलाके में लगने वाले मेले पर वर्चस्व को लेकर तृणमूल के पुराने कार्यकर्ताओं और तृणमूल युवा के सदस्यों के बीच हिंसक टकराव हो गया। तृणमूल की युवा इकाई के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी हैं, जबकि पुराने कार्यकर्ता ममता बैनर्जी के गुट के माने जाते हैं। इसीलिए दावा किया जा रहा है कि ममता और अभिषेक के समर्थकों के बीच यह हिंसा हुई है। घटना को लेकर एक बार फिर से विपक्ष ममता बनर्जी पर हमलावर हो गया है। स्थानीय तृणमूल नेतृत्व ने दावा किया है कि जो लोग हमले कर रहे हैं वे पुराने माकपाई थे और अब तृणमूल के हैं। আপনি কোথায় ছিলেন? আমরা এখানে ছিলাম, পুলিশ আরে এই দেখে নাও, তোমাকে তো জায়গা দিচ্ছি, এই গাছটা আমি ঢোকাবো না। দেখাশোনা করি, কাজ করি। আচ্ছা, কালকে আপনি ছিলেন? না, আমি ছিলাম না। এতবার ফোন করলে ভাই শুনিস না, আমি পুলিশ থেকে পালাচ্ছি, আমাকে ধরে নিল, বলছি তুমি কালকে মাফিয়া করেছো, গুন্ডামি করেছো, মারপিট করেছো, এই জন্য মাছ আপনার কোথায় ছিলেন? এই দেখে নাও, তোমাকে তো জায়গা দিচ্ছি, এই গাছটা আমি ঢোকাবো না।